दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 8 सितंबर 2023 शुक्रवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, SBI, HKRN, हाई कोर्ट, BPCL के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 8 सितंबर 2023 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में। भारतीय तटरक्षक के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। नाविक GD, नाविक DB और यांत्रिक की यहाँ पर पोस्ट है। 350 वैकेंसी जिसमें यहाँ पर निकली है। बात अगर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जाए तो नाविक GD जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसीज है और नाविक DB डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसीज है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए यहाँ पर इसमें 25 वैकेंसीज निकली है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर 20 वैकेंसीज निकली है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 15 वैकेंसीज इसमें निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आज ही से शुरू होने जा रही है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 सितंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 22 सितंबर 2023 है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 22 सितंबर 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो नाविक पोस्ट के लिए आप देख सकते हो 21,700 सैलरी है प्रति माह के लिए और यांत्रिक के लिए 29,200 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक GD के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नाविक DB के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यांत्रिक के लिए 10वीं 12वीं पास और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 22 वर्ष है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे तभी आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए इसमें 300 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर मैस्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से आप इस भर्ती के लिए फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, स्टेज सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, स्टेज थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टेज फोर्थ मेडिकल टेस्ट और स्टेज 5 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .CDEC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती निकली है। प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की यहाँ पर इसमें पोस्ट है। 2000 टोटल वैकेंसी जिसमें यहाँ पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट आवेदन करने की 27 सितंबर 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 सितंबर है। प्री एग्जाम की डेट नवंबर 2023 है। मेन एग्जाम की डेट दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में है। सैलरी 36,300 से 63,840 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से 30 वर्ष है। फीस जनरल OBC WS के लिए 750 है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के आधार पे अप्लाई आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। SBI.CO.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। HKRN के अंतर्गत ये भर्ती है।
पोस्ट है यहाँ पर वेरियस, इसमें वैकेंसी जहाँ आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। आवेदन इसके लिए 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो 17,000 से 22,000 रुपये है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास यहाँ पर परिवार पहचान पत्र है तो आपको फीस जमा नहीं करनी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको 1,000 रुपये प्लस टैक्स आपको जमा करना होगा। बिना एग्जाम के भर्ती है। इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से चयन होगा। इस भर्ती के लिए भी आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है hkrnl.itihariana.gov.in, इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 4th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत भर्ती है। स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, कलर के अप्रूव रीडर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और मालिक की पोस्ट यहाँ पर इसमें निकली है। बात अगर वैकेंसी डिटेल की जाए तो 40 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 5 सितंबर से चल रहे हैं, लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष है। फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 340 है, अदर के लिए 190 है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। हिमाचल जॉब लोकेशन है hphighcourt.nic.in और hpscrecruitment.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। BPCL के अंतर्गत ये भर्ती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 125 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 15 सितंबर 2023 है। सैलरी डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पर 25,000 रुपये है प्रति माह के लिए। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। भारत पेट्रोलियम डॉट इन एच की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी के 8 सितंबर 2023 शुक्रवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक आपको सभी भर्तियों के यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।